Hello student, good morning, welcome to online education, Kaushal Vidya Bhavan, English medium, semester 1. Today we will learn standard 7, subject Sanskrit. Usme hum learn karenge. Chapter 2, Megho Varshati. Unit 2, Megho Varshati. It is raining. Barish ho rahi hai. First of all, hum uski glossary padhenge. Uska jo meanings hai words ke, uska proper meaning kya hota hai Sanskrit mein aur English mein, wo hum first dekhenge. Jise hume पोएम पढ़ने में आसानी हो. फर्स्ट है वर्षति, मीन्स इज रेनिंग, मतलब बारिश हो रही है, मतलब गिर रही है. सेकेंड है प्रवहति, मीन्स इज फ्लोविंग, मतलब बहना. उसके बाद है तुष्यति, मतलब इज सेटिस्फाइंग, संतोष प्राप्त करना. कृषिकः मीन्स फार्मर, मतलब किसान, जो खेत में काम करते हैं वो. गोष्ठम मीन्स कैटल यार्ड, जो पशुपालन का व्यवसाय करते हैं ना वो. वृषभ, वृषभ मीन्स बुलॉक, बुलॉक मीन्स बैल, जो हम फार्मिंग के लिए यूज करते हैं एनिमल्स, उसको बोलते हैं. उसके बाद है कर्षति, मतलब इज प्लाउइंग, मतलब कि जो खेत को खेड़ने का काम करना होता है ना, उसको प्लाउइंग से करना होता है. और उसको खेत को क्या बोलते हैं संस्कृत में, क्षेत्रम. क्षेत्रम मीन्स फार्म. उसके बाद है विपत्ति, विपत्ति मीन्स इज शोविंग, मतलब कुछ भी बोना. और रोहति मीन्स इज ग्रोविंग. और सस्यम मीन्स ग्रेन, ग्रेन मतलब कुछ भी जो अनाज वगैरह होता है जिसको हम खेत में बोने के लिए यूज़ करते हैं और उसका ग्रोथ होता है, तो उसको बोलते हैं सस्यम, मतलब बीज, सीड्स. प्रकामम मतलब एज विश्ड. तो ये सब ग्लोसरी वर्ड हमें सबसे पहले लर्न करने होंगे, बिकॉज क्योंकि इसके बिना हमें हमारी संस्कृत पोएम समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि उसके मीनिंग यहाँ पर जो हार्ड वर्ड है वो सब उसके मीनिंग यहाँ पर दिखाए गए हैं, और इसको ध्यान में रख के ही हमको पोएम लर्न करनी है, जिससे हमें लर्न करने में और सीखने में आसानी हो. ओके, लेट्स स्टार्ट. यूनिट 2, मेघो वर्षति. इट इज रेनिंग. तो पता है आपको बारिश के टाइम में कैसे रेनिंग होती है, और वो रेनिंग का मजा ही कुछ और होता है, क्योंकि हमें पता है कि रेनिंग में हमें बाहर नहाने के लिए जाना बहुत अच्छा लगता है, पर जितना हमें आनंद आता है उतना ही ज़्यादा आनंद फार्मर को आता है, क्योंकि उसके खेत में भी रेनिंग होगी और उसकी भी समृद्धि में बढ़ावा होगा. समझ में आया? तो इसके अकॉर्डिंग हमारी सारी पोएम है. फर्स्ट हम संस्कृत पढ़ेंगे, उसके मीनिंग भी देखेंगे, और वो क्या कहना चाहती है वो भी हमें समझना होगा. मेघो वर्षति, देखो मेघो वर्षति मीन्स क्या होगा, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है. और ये ना यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, देखो इट इज रेनिंग. उसके बाद क्या है, प्रवहति नीरम. प्रवहति मीन्स हमें जो ग्लोसरी में पढ़ा, प्रवहति का मीनिंग क्या होता है, फ्लोविंग मतलब बहना, और नीरम मतलब वाटर, वाटर इज फ्लोविंग. उसके बाद तुष्यति कृषिकः, कृषिकः मीन्स फार्मर, जो फार्मर होते हैं वो तुष्यति मतलब गेटिंग सेटिस्फाइड, उसको बहुत संतोष प्राप्त होता है क्योंकि रेनिंग हो रही है.
और उसके बाद गच्छति गोष्ठम, और वो कहाँ जाते हैं, तो गोष्ठम मतलब कैटल यार्ड, वो उसका जो पशुपालन का जो व्यवसाय होता है उसको उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अब रेनिंग के लिए उसको एनिमल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो ही इज़ गोइंग टू कैटल यार्ड, वो जो पशुपालन का व्यवसाय करते हैं तो उसके एनिमल्स की ओर जाते हैं। और आपको पता है कि कौन सा एनिमल्स यूज़ किया जाता है फार्मिंग के लिए, बुलॉक है ना, वृषभ कहते हैं संस्कृत में उसे। तो ऐसे रेनिंग होती है, फिर से हम रिपीट करेंगे एक बार, मेघो वर्षति प्रवहति नीरम तुष्यति कृषिकः गच्छति गोष्ठम। ओके, आ जाएगा उसका ट्रांसलेशन जो हमने नीचे दिया है। इट इज रेनिंग, वॉटर इज फ्लोइंग, द फार्मर इज गेटिंग सेटिस्फाइड एंड ही इज गोइंग टू कैटल यार्ड। ओके, चलो आगे। उसके बाद जो जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, तो वो नियति च वृषभम, वृषभम का मीनिंग होता है बुलोक्स, जो बेल का यूज़ करते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है। देखो एक खेत में कैसे बेल का यूज़ किया जाता है, जो प्लाव है उसके साथ बेल को बांधा है और उसके साथ कनेक्टिंग करके उसको सारे सारे खेत में उसको चलाया जाता है। तो यहाँ पर वृषभम मतलब बुलोक्स, नयति च वृषभम, तो क्या होता है, द फार्मर इज टेकिंग द बुलोक्स, वो बैल को लेकर जो खेत है उसमें जाते हैं। हलम अपि वहति, और जो प्लाव होता है वो क्या होता है, हलम अपि, हल प्लस अपि, हलम अपि, यहाँ पर दो शब्द का यहाँ पर जूथ है, उसको हम अलग अलग करेंगे तो हल प्लस अपि, हल मतलब प्लाव, अपि मतलब ऑल्सो। तो यहाँ पर वृषभ के साथ उसने कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो जो उसको कनेक्ट किया है, तो यहाँ पर हल को उसने कनेक्ट किया है बुलोक के साथ। तो बुलोक को, बुलोक्स को टैकिंग करके उसके साथ हल को कैरी करते हैं, ही इज ऑल्सो कैरिंग अ प्लाव, वो प्लाव को भी कैरिंग करते हैं। ओके, आगे कर्षति क्षेत्रम, कर्षति क्षेत्र मतलब जो खेत को प्लाविंग करना होता है ना, प्लाविंग, तो उसको फार्म, ही इज प्लाविंग द फार्म, यहाँ पर देखो ही इज प्लाविंग द फार्म एंड शोविंग सीड्स, उसके साथ क्या होता है, विपति च बीजम, विपति च बीजम मतलब शोविंग सीड्स, और उसके हल के थ्रू, प्लाव के थ्रू वो जो फार्म होता है उसमें सीड्स को शोविंग करते हैं, उसमें बो करते हैं, क्योंकि रहने के बाद उसका ग्रोथ होने वाला है, इसीलिए हम सब जानते हैं प्रोसेस, जानते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ यहाँ पर हम फार्मर के जो सन है तो उसको पता होगा कि फार्मिंग कैसे करते हैं। उसके बाद क्या होता है, तो जब हम सीड्स को फार्म में शो कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, रोहति सस्यम, और जो सस्यम मतलब ग्रेन होता है या फिर कॉर्न होता है वो ग्रोविंग करने लगता है, मतलब जो हमने सीड्स बोए हैं वो बाहर आके उसका ग्रोविंग होगा, वो आगे मतलब उसका डेवलपमेंट होगा उस प्लांट का। उसके बाद फलति प्रकामम, और सबकी इच्छा है वो भी फलने लगेगी, फलति प्रकामम मतलब इट इज़ प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट डील, और जो बोया है वो ग्रोविंग करेगा, मतलब कि एक ग्रेट डील है वो प्रोड्यूस होगी, है ना। भवति समृद्धि,
और उसके साथ क्या आता है, जो एक बार बताया आपको कि फार्मर है, उसकी समृद्धि की सुविधाएं सारे की सारी उसके फार्म के साथ जुड़ी होती है और उसके लिए फार्म ही सब कुछ होता है। तो उसकी समृद्धि में वृद्धि कब होगी, जब रेनिंग होगी, उसके सीड्स है वो ग्रो करेंगे और उसमें से जो भी मिलेगा वो बेच के वो अपनी समृद्धि को हासिल कर सकेंगे। तो भवती समृद्धि वेल्थ एंड मैन मतलब मनोकुलम वृद्धि, मतलब वेल्थ एंड मैन आर इंक्रीजिंग, मनु मतलब मैन और कुलम वृद्धि मतलब इंक्रीजिंग। जो इंसान के कुल की वृद्धि होती है ना, वो कैसे होती है, उसकी वेल्थ बढ़ती है तब होती है। तो क्या क्या बढ़ता है, तो समृद्धि भी आती है और उसकी वेल्थ भी इंक्रीज होती है। किसके साथ, उसके सबसे पहले क्या हुआ, रेनिंग हुई इसीलिए, ओके। तो उसके साथ ये सब जुड़ा हुआ होता है, इस सारे की सारी प्रोसेस से मनोकुलम वृद्धि ही होती है, वेल्थ एंड मैन आर इंक्रीजिंग। समझ में आया सारा का सारा चैप्टर। अब हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स रॉरली। उसमें हमें पढ़ूंगी, आपको सिर्फ देखना है कि मैं कैसे प्रोनाउंस करती हूँ और आपको भी मेरे बाद बोलना होगा। प्रवहति गोष्ठम, कर्षति प्रकामम, समृद्धि ही मनोकुल वृद्धि ही, ओके। ऐसे एक टोन के साथ बोलना है जैसे हमें बोलने में आसानी हो और हमारा प्रोनाउंस भी अच्छा हो। सेकंड क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन संस्कृत। संस्कृत में हमें इस क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। मैंने यहाँ पर देखिए आंसर भी लिख दिए हैं, है ना, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है आपका। तो आपको सिर्फ देखना है कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, मतलब वो क्या कहना चाहता है और उसका आंसर क्या आता है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, नीरम कदा प्रवहति, जो वाटर है वो कब फ्लो मतलब फ्लोविंग करता है। तो यहाँ पर उसका आंसर है, यदा मेघः वर्षति तदा नीरम प्रवहति, मतलब जब रेनिंग होती है तब वाटर का फ्लो होता है, ओके। सेकंड क्वेश्चन है, प्रसन्नः कृषकः कदा गोष्ठं गच्छति, जो हैप्पी होके जो फार्मर है वो गोष्ठं कब जाते हैं, तो जब रेनिंग होती है तब वो प्रसन्न होते हैं ना। तो नीरं प्रवहति तदा प्रसन्नः कृषकः गोष्ठं गच्छति, ओके। तो जब नीर का फ्लो मतलब वाटर का फ्लोइंग होता है तब जो किसान होते हैं वो गोष्ठं मतलब पशुओं के तरफ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कृषकः बीजं कुत्रं विपति, मतलब कि जो किसान होते हैं वो अपने सीड्स है वो कहाँ शो करते हैं। तो यहाँ पर उसका क्षेत्रम दिखाया गया है, मतलब क्षेत्रम मतलब फार्म में, कृषकः क्षेत्रे बीजं विपति, मतलब कि वो फार्म है उसमें वो बीज का आरोपण करते हैं, शोविंग करते हैं, ओके। एक्सेट क्लियर, सबको पता चल गया कि इसके आंसर कैसे लिखे जाते हैं। वन सेंटेंस में ही आपको आंसर लिखने हैं, जैसे हम कोई वन वर्ड वाला क्वेश्चन होता है तो वन वर्ड में कैसे आंसर देते हैं। यहाँ पर कदा और कुत्र ऐसे जो छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए वर्ड्स दिए गए हैं, तो उसकी जगह पर हमें उसका आंसर का वर्ड्स रिप्लेस करना है, ओके, और फिर से वो सेंटेंस लिख देना है। तो ऐसे हमें क्वेश्चन के आंसर बनाने होंगे, मतलब कि स्टार्टिंग में हमें थोड़ी दिक्कत होगी पर जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे आ जाएगा सबको,
ओके अब दो क्वेश्चन और है, वो आपको सॉल्व करने हैं, मैं आपको सिखाऊंगी कैसे करना है। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एक्शन वर्ब फॉर्म्स पॉइंट एंड राइट देम, फॉलो द इल्यूट्रेशन। जैसे यहाँ पर इल्यूट्रेशन में जो एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि वर्षति, प्रवहति, ऐसे वर्ड हमको जैसे राइमिंग वर्ड कहते हैं ना, जब पीछे की जो राइम्स होते हैं वो मिलती होती है, वैसे वर्ड्स हमें हमारी पोएम में से ढूंढने हैं। वो यहाँ पर उसको जो यहाँ पर ब्लैंक्स दी गई है उस पर लगाने हैं, ऐसा समझ में। जैसे विपति, प्रवहति, गच्छति है ना, वैसे कर्षति, ऐसे वर्ड्स हमें यहाँ पर लिखने हैं, जिसके पीछे ती जैसे जो प्रोनाउंस होता है ती का, वैसे। ओके क्लियर क्वेश्चन। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइंस। वो हमें पोएम में से ही देख के कंप्लीट करनी है, पर उसको हमें लर्न भी करना होगा। जैसे कि एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन पूछा गया कि ने जो कंप्लीट द फॉलोइंग लाइंस, मतलब उसकी लाइंस कंप्लीट करो, तो पोएम्स की लाइन कंप्लीट करने के लिए हमें उसको लर्न करना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर भी हमें दो वर्सेस दिए गए हैं, उसको कंप्लीट करना है। मेघो वर्षति गच्छति गोष्ठम, उससे ए वर्ड से यहाँ तक जो भी लाइन है बीच में कट हुआ है उसको कंप्लीट करके पूरा का पूरा फिर से लिखना होगा। ऐसे दो पैराज कंप्लीट करने हैं हमें। ओके एक्सरसाइज ख़त्म हमारी। तो हमें एक आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से घर पे लर्न करना है, और यहाँ पर जो हार्ड वर्ड्स है संस्कृत के उसको भी हमें एक बार प्रोनाउंस करके सीखना है कि उसको कैसे बोलते हैं। ओके और ये सारी की सारी पोएम सबको लर्न करनी हो, उसका जो प्रोनाउंसिएशन वो आपको आता है तो बोलना, मतलब कि कोई टोन में या फिर कोई सुर में हम गा सकते हैं पोएम को, तो गा के भी हम उसको लर्न कर सकते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें आसानी से हमें याद रह जाता है, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। ओके और कोई डाउट हो तो आप टीचर्स को पर्सनली फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।